कुलभूष यादव को आज बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी सुनवाई दोस्तों आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगी। जी हां दोस्तों, कुलभूष यादव की बेल याचिका पर सुनवाई 1 बजे के करीब होगी। जानकारी कुलभूष यादव के वकील प्रशांत राठी ने दी है। जी हां, प्रशांत राठी ने कहा है कि 1 बजे के आसपास कोर्ट ने टाइम दिया कुलभूष यादव की सुनवाई को लेकर। अब दोस्तों सुनवाई में क्या होता है ये तो आपको दोस्तों थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। आपको 1-2 घंटे दोस्तों रुकना है और कुलभूष यादव की आज जमानत होती या नहीं ये दोस्तों आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जमानत होने के बाद दोस्तों केस चलता रहेगा। ये दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि जमानत होने के बाद क्या केस क्लोज हो जाएगा, नहीं ये सिर्फ बेल के लिए प्रोसेस है। यदि बेल आज मिल जाती है तो अच्छी है, 50-50% चांस है कि बेल मिल जाएगी, क्योंकि जो इल्जाम लगाए गए हैं वो झूठे हैं और प्राइवेट सेक्टर का कोई भी एनजीओ इस तरीके के इल्जाम नहीं लगा सकता है और बिना सबूत के इस तरीके के जो इल्जाम लगाए हैं वो दोस्तों बिल्कुल भी गलत हैं। कुलभूष यादव ने वकील ने कहा है कि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं, बाकी दोस्तों प्रभु पर आप विश्वास रखें, क्योंकि जो ऊपर वाला साता है वही आखिर होता है और आज नहीं हुई तो दोस्तों कल होने वाली है और कल नहीं हुई तो दोस्तों ये दोस्तों होली के बाद चली जाएगी। अब फैसला क्या होता है ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यदि यहाँ पर कोर्ट में दोस्तों ये डिक्लाइन कर दिया तो आगे के कोर्ट में ये दी जाएगी अर्जी और आगे के कोर्ट में कल सुनवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या होता है। हम तो चाहते ही हैं कि सब कुछ बेस्ट हो जाए और कुलभूष यादव को आज जमानत मिल जाए, ताकि दोस्तों जो एक कुलभूष यादव से गलती हो गई है कि वो वहाँ पर चले गए थे जो प्रश्नोत्तर जब पुलिस ने बुलाया था, यदि वहाँ पर नहीं जाते वकील को भेज देते तो दोस्तों ये दिन आज उन्हें नहीं देखने पड़ते। थोड़ा मैनेजिंग टीम की वजह से दोस्तों ये सब हुआ है और इस तरीके से कुलभूष यादव जो पुलिस के जाल में फंसे हैं और जिस तरीके से दोस्तों मेनका गांधी और सौरव गौरव जो दबाव डाल रहे हैं पुलिस पर और झूठी झूठी नई नई धाराएं लगा रहे हैं, अब आज क्या होता है ये तो दोस्तों थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी पुलिस ने बयान दिए वही दोस्तों कोर्ट में देंगे और जो बात करें तो वकील है वही कोर्ट में बयान देंगे। बाकी बयान आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। 1 बज गए हैं तो अभी जैसी अपडेट आती है तो मैं आपको दे दूंगा। बाकी कुलभूष आर्मी लगातार कमेंट करके कुलभूष यादव को सपोर्ट कर रही है और सारी कि जल्दी से जल्दी कुलभूष भाई बाहर आ जाए। बाकी इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।